हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कमरप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं हर्ब्स का इंजीनियर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या सुबह उठकर आपको जो सबसे पहला पानी पीना चाहिए वो सादा होना चाहिए या उसके अंदर कुछ डाल कर पिए। तो अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल का आइकॉन तो जरूर दबा दें। आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना को टाइम खराब किए हुए, बिना को टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं ये बात कतई नहीं कह रहा कि आपको सुबह उठकर सबसे पहले पानी पीना चाहिए। अगर आपको प्यास लगे तो आप पानी पिए, अगर आपको प्यास नहीं लगे तो आप पानी नहीं पिए। वैसे अगर आप किसी औषधि का सेवन कर रहे हैं या आप पतले होने के लिए नींबू और गर्म पानी का सेवन कर रहे हैं या आप पानी के अंदर किसी कारण से एलोवेरा डाल कर पी रहे हैं या और कोई चीज़ दालचीनी या शहद डाल कर पी रहे हैं, ऐसे केस में जो आप सुबह उठकर अपना सबसे पहला पानी पिए वो सादा होना चाहिए, उसके अंदर कुछ भी नहीं डालें। उसके बाद जो भी आपको पीना है, आप पानी के अंदर नींबू डालकर पी रहे हैं या आप एलोवेरा डालकर पी रहे हैं या आप शहद डालकर पी रहे हैं, जो भी आप पी रहे हैं उसके बाद आप उसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आपने पानी का गिलास भर लिया और उसके अंदर एक चम्मच शहद डाल लिया। जितनी भी आप वो वस्तु डाल रहे हैं, अगर आप दो चम्मच नींबू डाल रहे हैं या दो चम्मच शहद डाल रहे हैं या दो चम्मच एलोवेरा जूस डाल रहे हैं, जो भी आप डाल रहे हैं उसकी डबल मात्रा से ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। अगर आपने दो चम्मच कोई भी पदार्थ डाला है तो चार चम्मच पानी से ज़्यादा आपको पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो ये पानी पचने में बहुत समय लेगा और आपके पेट के अंदर तेजाब बनने के, एसिड बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जो सादा पानी है वो स्टमक में बहुत कम समय गुजारता है और अगर आप पानी के अंदर कुछ भी डाल लेते हैं तो फिर वो सॉल्यूशन आपकी स्टमक के अंदर ज़्यादा समय गुजारता है, जिस वजह से स्टमक के अंदर एसिड्स की मात्रा बढ़ जाती है और आपको एसिडिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए सुबह उठकर जो पहला पानी पिए वो सादा होना चाहिए और उसके बाद आप जो भी औषधि ले रहे हैं उससे दुगनी मात्रा में आप पानी का इस्तेमाल करें। तो आगे आपकी मर्जी है, अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल का आइकॉन तो जरूर दबा दें। तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार, वंदे मातरम।